नमस्कार और आदाब। सनीचर अप्रैल के 24 तारीख, पेश है आपके लिए 7 दिन की एक खबरें। सरकार इस हफ्ता फैसला लिया है, सभी फ्लुख्त जो है हाइती तक, फीसा फैसा हाइती से सुरीनाम या सुरीनाम से हाइती तक, इस पर रुकावट डालने के वास्ते और फीसम आन फराहन पर भी गौर नहीं किया जाएगा। मतलब फीसम आन फराह जो आएगा, इस पर लोगों को इजाज़त नहीं मिलेगा। मतलब यह है, लोग सफ़र नहीं कर पाएंगे। हाइती के लोग सुरीनाम देश में बड़ी तादाद में आते हैं। पिछले दिनों में इस पर ख़ास नज़र डाला गया है और कुछ मिनिस्टर, क्लस्टर वन मिनिस्टर जो है, इसमें मिनिस्टर बीबेस का, बाउतलॉन सागन का, यस्तिसी एंड पॉलिसी का, फलक्स खसोमथेत का, ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन एंड टूरिज्म का और डिफेंसी का, ये सब बातचीत किए हैं इस मामले के बारे में और प्रेसिडेंट को राय दिए है। ये इवैल्यूएशन के बाद प्रेसिडेंट ने यह फैसला लिया है। इन लोगों के राय, मिनिस्टर्स के राय, प्रेसिडेंट कहा इस पर गौर करने के वास्ते और इनसे वो सहमत थे, इसलिए तमाम फ्लाइट जो है, ये फ्लाइट्स जो है, उड़ान जो है हाइती तक और हाइती से सुरीनाम तक रोका गया है। फ्लिक मार्च का पैन जो है और रेस अखेंतन जो है और हर एक लोग जो इसमें मदद करते हैं, उन लोगों से कहा गया है ऐसा नहीं करने को, वरना उन लोगों को बुत भरना पड़ेगा और सभी खर्चा जो है रेपात्रियासी के वास्ते। मतलब ये है कि हाइती आनंद को वापस अगर इन लोगों का देश भेजा जाएगा तो सभी खर्चा इन लोगों को उठाना पड़ेगा, तो इस पर ज़रूर आप लोगों को गौर करना ज़रूरी है। ये भी पता चला है कि इतना मुश्किल खड़ी है कोविड पैंडेमिक के वजह से, कोविड वायरस के वजह से, तो हाइती आनंद यहाँ पर आते हैं। पिछले हफ्ता या इसी हफ्ता में अम्बासाडोर जो है फ्रांस अम्बासाडोर जो है, ये अंतवन शोली बताए हैं कि बहुत से सुरीनाम देश में जो हाइतियानन आते हैं, ये सब दो रेस पर रहते हैं, ये सब फ्रांस खयाना जाते हैं वहाँ पर असील का मांग करने के लिए। इसमें ख़ास बात देखा गया है कि लोग बड़े तादाद में सफ़र करते हैं, उड़ान करते हैं, यहाँ पर आते हैं, एक ही टैक्सी से लोग सफ़र करते हैं, एक ही होटल में लोग ठहरते हैं और उसके बाद लोग फिर दो रेस पर जाते हैं, एक बड़ा तादाद में, एक ख्रुप खवे से ख्रुपन में लोग जाते हैं फ्रांस खयाना वहाँ पर असील का मांग करने के लिए। अंतवन शोली अम्बासाडोर फ्रांस खयाना का ये भी कहते हैं कि हो सकता है, मुमकिन है कि यहाँ मेंस स्मोकल के बात है। इस मामले पर खोजबीन हो रहा है। एक ओंदर नेमर साया जो इस मामले से जुड़े हैं, जो ये हाइतियान को सुरीनाम देश लाते हैं, ये कहे हैं कि यहाँ कोई भी मेंस स्मोकल के बात नहीं है, ये बिल्कुल सच बात नहीं है। पुलिस इस हफ्ता एक लाश पाए है एक मोटर गाड़ी में। सोमवार के रात को द्रियन फेयर तहियार का जॉन जुमसाम, इनका लाश मिला है इनके गाड़ी में पुसुग्रुनुस्त्रात रिसोर्ट आउटफ्लुख में। खोजबीन से पता चला है कि इनके बदन पर कोई ऐसे निशान नहीं था कि इस पर हमला हुआ है या इसका कत्ल किया गया है। एक मोंटर शाक के आगे गाड़ी खड़ा किया गया था और वहाँ पर लोग सोच रहे थे कि मोंटर को ये गाड़ी देखना था, इसलिए गाड़ी वहाँ पर था। लेकिन कुछ दिन बाद जब बदबू आए है इस गाड़ी में से, तो लोग देखने के लिए गए हैं, तब पता चला कि इस गाड़ी में लाश था। खोजबीन के बाद पता चला लाश द्रिया फेर तहियार का जॉन जुमसान के था, जो उसी आसपास में रहता था। इस मामले में पुलिस आगे खोजबीन और कर रहा है। हम आपको बता दें कि इस वक्त सुरीनाम देश में कोविड के बारोमीटर जो है, कितने लोगों का ध्यान जब से कोविड वायरस आई है सुरीनाम देश में, 193 तक पर पहुंच गए हैं। आखिरी खबरों से पता चला है कल दो लोगों का ध्यान फिर से हुआ है सुरीनाम देश में, एक अकादेमी सिकन हाउस परमारिबो में और एक स्लॉन्स हॉस्पिटल में। ये भी हम आपको बता दें कि अप्रैल महीना के वास्ते कहा गया है कि 16 लोगों का देहांत कोविड-19 वायरस से हो चुका है। ये सिर्फ इस महीना, अप्रैल महीना के बाद हम करते हैं और ये है कल 23 तारीख अप्रैल तक। इन्फेक्सियोलॉग जो है डॉक्टर स्टेफन फ्रेडन, ये बताते हैं कि सुरीनाम देश में एक ख़तरनाक ब्राज़ीलियंस वेरिएंट है, ये मनाउस वेरिएंट नाम रखा गया है ब्राज़ीलिया का शहर मनाउस से, क्योंकि कहा जाता है कि ये वेरिएंट वहीं पर पैदा हुआ है। डॉक्टर स्टेफन फ्रेडन ये कहते हैं कि ये जो मनाउस वेरिएंट है, ब्राज़ीलियंस वेरिएंट है, इस से ज़्यादा तौर पर बच्चे इसका शिकार होते हैं, ज़्यादा तौर पर बच्चे भस्मित होते हैं।
इस वक्त उन्होंने कहा है कि ये बहुत ही खतरनाक फारियान थे और इस पर खोजबीन करना चाहिए कि जो अंदर हाफ मीटर अफस्तान बताया गया है कोविड अफस्तान ये ठीक है या इस पर काम करता है कि लोग अंदर हाफ मीटर अफस्तान लेते हैं और इससे बस मैट नहीं होते हैं, ये सच है या नहीं, इस पर खोजबीन करना चाहिए। अब वो बहुत खुश है इस बात से कि स्कूल जो है ये सब बंद है, अभी पढ़ाई जारी नहीं हुआ है, क्योंकि अगर बच्चों पर ज़्यादा तौर पर यह ब्राज़ीलियन फारियाम जो है असर करता है तो ये बहुत मामला गंभीर होता और बिगड़ जाता अगर स्कूल पर पढ़ाई जारी होता। तो डॉक्टर स्टेफन फ्रीडन ये कहते हैं कि वो बहुत खुश है कि इस वक्त स्कूल जो है सभी बंद है। ये कोविड से जुड़े हम आपको ये बताना चाहते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ फॉलक्स कसोंटेस इस हफ्ता एक बार फिर दोहराई है कि कोविड टेस्ट आप लोगों को करवाना चाहिए अगर खरीब फर्शखैंसलन है, क्योंकि आप फ़र्क यानी अंतर नहीं कर पाएंगे, ये कोविड के फर्शखैंसला या यूँ ही एक खरीब आपको रहेगा, क्योंकि खरीब भी कई ऐसे फारियामदन में आते हैं जैसे कोविड भी के कई ऐसे फारियामदन है। तो इसलिए कहा गया है कि अगर आपको खरीब है, आप बीमार है, तो ज़रूर आप जाकर यह टेस्ट करवाइए, क्योंकि इन दिनों में यह पता चला है कि कोविड 19 के पॉजिटिव फालन जो है ये दिन पे दिन बढ़ता जाता है। तो ये टेस्ट आप करवाइए, जाकर स्वाब आप कीजिए अगर कुछ खास सिम्टोम आपके पास है, जैसे कोर्ट्स, और ये कोर्ट्स होना चाहिए सेफ न देता है ना हालत खराब है या इससे ज़्यादा, हुस्तन फर्लीस फन स्मार्क ऑफ रोग लेखम्स पेन स्पीर पेन जिसका आपको नहीं पता है कैसे ये आए हैं आपको, दियारे एंड ब्राकन मिसलक है फरमोइत है कौदर एलिंगन कॉर्ट आदम है केल पेन फरवर्थ है होफ पेन लोक न्यूज अलखीला मलैस, आप बिल्कुल ठीक नहीं महसूस करते हैं, आपका तबीयत ठीक नहीं है, रैश हाउट आउटस्लग और भी कॉन्जुक्टिफिस यह है ब्लिंड फ्लीस ऑन स्टेकिंग फन बेद ओहन, और भी अगर आपको ऑन स्टेकिंग है हाथ पैर का तो ज़रूर इन तमाम फर्शखैंसलन पर आप गौर कीजिए, अपने हाउस आर्ट्स को आप तार कीजिए या इन सेफ आँख को तार कीजिए, वहाँ पर लोग आपको राय देंगे एडवाइस देंगे क्या आपको करना है और वही सब आपको बताएंगे कि आपको जाना है ये टेस्ट के वास्ते स्वाब करने के लिए या नहीं। तो ज़रूर ये इंस्ट्रक्शन जो आपको मिलेगा इन सेफ आँख से या आपके हाउस आर्ट से इस पर ज़रूर आप गौर कीजिए। कोविड 19 के वैक्सीनेशन जो है कई दिनों से सूरीनाम देश में चल रहा है, फरवरी महीना से शुरू हुआ है, ये अब कम तौर पर कम तादाद में होता है। पहला कारण ये बताया गया है कि जो नेगेटिव न्यूज़ आते हैं बहुतलान से कि ये एस्ट्राज़ेनेका इसका वर्किंगन है, तो बहुत लोग अब डरते हैं ये वैक्सीनेशन लेने के लिए। लेकिन एक और कारण है कि सरकार की तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ फॉलक्स कसोंटेस की तरफ से ये भी कम किया गया है, अब कम लोग वैक्सीनेट होते हैं क्योंकि ये वैक्सीनेशन या वैक्सीन जो है ये ख़त्म हो गया है सूरीनाम देश में। पहला वैक्सीन जिन लोगों को मिल गया है उन लोगों को अभी दूसरा वैक्सीन लेना बाकी है, तो इसलिए ये वैक्सीनेशन ये वैक्सीन जो बचा है ये उन लोगों के लिए रखा गया है, ये मिनिस्ट्री ऑफ फॉलक्स कसोंटेस बताए है, क्योंकि ट्वेद प्रेक अभी लोगों को लेना है जो लोग एर्स्ट प्रेक ले चुके हैं। लेकिन एक नया बजेंडिंग सूरीनाम देश आ रहे है और लोग उम्मीद करते हैं कि ये जल्द में हो जाए तो लोग फिर से जोर तोर से शुरुआत करेंगे ये वैक्सीनेट करने को, लोगों को वैक्सीनेट करने के वास्ते। सोमवार को एक हादसा हुआ है कोमवेन ओस्ट वेस्ट फरबिंदिंग पर, यहाँ पर तीन लोगों का देहांत इस हादसे से हुआ है, एक था योसेफ पिनास फेफ एंड फेफ तहियार और इनकी पत्नी मार्सेल कोसमान फेफ तहियार। सोमवार को यह हादसा ओस्ट वेस्ट फरबिंदिंग में हुआ है और ये आंद्रेडिंग जो हुआ है ये दोनों एक ही दम मियाँ बीवी जो थे गाड़ी में आगे बैठे थे, दोनों का देहांत वहीं पर हो गया है, दोनों दब गए थे गाड़ी में और ब्रंटवेयर को वहाँ पर आना था इन दोनों को गाड़ी से निकालने के वास्ते। एक आदमी जिसको ऑटो पेख था इसके गाड़ी में कुछ हुआ था, एक हिस्सा सड़क का जहां पर चिराग नहीं है वहां पर काफ़ी अंधेरा था और लोग नहीं रहते हैं उन बहुत खबी थे, वहां पर ये आदमी रुककर अपने गाड़ी में मोटर काप में कुछ कर रहा था,
सड़क के किनारे। मुमकिन है यह इतना अंधेरा था कि यह ऑटो बस्तियों जो है पिनास इसको नहीं देखे है, जाकर इनके गाड़ी से टकराए है। और ये आदमी जो वहाँ पर खड़े होकर अपना गाड़ी में कुछ कर रहा था, यह भी बुरी तरह से घायल हुए। इनको लोग हॉस्पिटल ले गए हैं और अगले दिन इनका देहांत हो गया है। ये दर्द प्रशोन है जिसका मृत्यु इस हादसा में हुआ है, सेड्रिक खेमर्स। बाकी के लोग जो गाड़ी में थे, चार और लोग थे गाड़ी में, ये इसमें एक बेबी भी थे, इन सभी को इलाज के वास्ते हॉस्पिटल में दाखिल किया गया है। हम आपको ये बता दें कि इन तीन लोगों के देहांत हो जाने से फरकेश बारोमीटर 28 पर आकर पहुंच गए हैं। सरकार जो है $10 मिलियन का इंतजाम किए है, और ये है ज़रूरी दवा बासिस खुदरन और ब्रॉन्सटॉफ के इंपोर्ट के वास्ते। जो लोग इम्पोर्टर्स होते हैं और जो लोग सामान सूरीनाम देश में इम्पोर्ट करते हैं, उन लोगों को इसमें मदद मिलेगा। ये सबको एक मक्सिमाल कुर्स वन सस्तीन दर तक दिया जाएगा डॉलर खरीदने के वास्ते, जिसके साथ लोग सामान इम्पोर्टेयर करेंगे। और इससे लोग चाहते हैं, सरकार ये चाहती है कि ये सामान जो सस्तीन दर तक के कुर्स पर यह सब डॉलर खरीद कर इस को सामान को खरीदेंगे, तो जो दाम रहेगा सामान का दुकान में, ये भी नीचे जाएगा, ये भी सस्ता होगा। ये मिनिस्ट्री फाइनेंशियल एंड प्लानिंग बताई है कि इसमें बहुत से लोगों का फायदा होगा, जनता का फायदा होगा। इम्पोर्टर्स जो है ये सब को बाहर जाकर ये डॉलर्स नहीं खरीदना पड़ेगा, ये सब डॉलर्स का मांग कर सकते हैं सरकार के पास, सेंट्रल बैंक ऑफ सूरीनाम के पास, तेखन कुर्स वन सस्तीन एस आर डी फाइव तक। ये जो सामान जो है आप ख़रीदा जाएगा, और इससे हम आपको बता चुके दुकान में दाम जो है सामान का ये और कम होगा। और फालूदा मार्ग पर लोग उम्मीद करते हैं, सरकार उम्मीद करते हैं कि भी शांति वापस आएगा और धीरे धीरे जो है कुर्स स्टेबिली से होगा, ये कुर्स फिर स्टेबिल होगा। वैसे हम आपको ये भी बता दें कि एक्सपोर्टर्स जो है ये सब 1 मार्च से परप्लेक्स थे, 1 मार्च से फरप्लेख है 100% एक्सपोर्ट ऑब्रेंगस्टन जो है सूरीनाम देश में वापस लाने के वास्ते। और इसमें से 30% जो है ये सेंट्रल बैंक ऑफ सूरीनाम में इन्वेस्ट करना चाहिए, तेखना कुर्स फन 16 एस आर डी 30। कितना डॉलर्स अब तक ये रेखलिंग से 1 मार्च से ये रेखलिंग से कितना डॉलर्स अब तक सरकार के कस में अंदर आई है अभी तक नहीं पता है। सिर्फ इतना बताया गया है कि सबसे ज़्यादा पैसा जो अंदर आई है ये क्लेंस खाल खौद सेक्टर में से आई है। एक और ख़ास बात हम आपको बताना चाहते हैं कि अमेरिका का सरकार जो है ये नए खतीफ रईस अफीस दिए है कराइबिस लंदन के वास्ते। 15 कराइबिस लंदन के वास्ते नए खतीफ रईस अफीस दिया गया है। अमेरिका के बेखबर रईस अफीसन से पता चला है 73% देशों जो है दुनिया भर में इन लोगों को निफोफिर दिया गया है। और इसका मतलब ये है कि ये देशों है जहाँ पर लोग राय देते हैं सफ़र नहीं करने को, यहाँ पर नहीं जाने को। जो लोग बुकिंग इत्यादि कर चुके हैं, जिनको इरादा था सफ़र करने को इन देशों तक, अमेरिका ये कहते हैं कि आप इस फैसले पर वापस आइए और आप लोग सफ़र मत कीजिए। ये इसके वजह से इकोनॉमिक जो इम्पैक्ट होगा ये देशों में जहाँ पर ये रईस फॉर बहुत फेस रखे है, अमेरिका रखे है, ये बहुत ज़्यादा होगा। एक तो इकोनॉमिक हालात इन देशों का इतना ख़राब है ये कोविड पेंडेमिक के वजह से, और टूरिज्म ये देशों को भी कुछ हद तक चलाता है, अब टूरिस्ट नहीं आएगा तो इससे भी इकोनॉमी पर काफ़ी असर पड़ने वाले है। ये जो निफोफिर है इसमें सूरीनाम भी रखा गया है, सूरीनाम के नाम भी लिया गया है। दूसरे कराइबिस देशों जो है जो निफोफिर पर है, ये है तुर्क्स एंड काइकोस एलॉन्दन, अंतिगुआ एंड बारबुडा, हाइती, हुयाना, बारबाडोस, बरमूडा, क्यूरासाओ, डोमिनिकन रिपब्लिक, सेंट लूसिया, सेंट विंसेंट एंड द ग्रेनेडीन्स, अरूबा, फ्रांस वेस्ट इंडिया, और भी सेंट बार्ट्स, सेंट मार्टिन, मार्टिनिक, मार्टिनिक, ग्वादलूप और फ्रांस हुयाना के लिए अमेरिका ये नए खतीफ रईस अफीस दिए हैं। एक और ख़बर जो है वो ये है कि कल शोर सेटनी निवाहाफन पर पुलिस जो है ये लगभग 100 कंटेनर्स
100 कंटेनर्स कब्जे में लिया गया है और ये फ्लीखंद ब्रिखाद की तरफ से हुआ है। अभी हाल ही में ये फ्लीखंद ब्रिखाद जो है सरकार के जरिए ठहराया गया था खोजबीन करने के वास्ते, और फ्लीखंद ब्रिखाद स्टिफ्टिंग बॉस बहेर एंड बॉस्तु सेख के मदद के साथ ये कंटेनर जो है इसको लोग ये टिप जब मिला है, खबर जब आए है, वहाँ पर खोजबीन करने के लिए गए हैं, तो ये पता चला है कि ये कंटेनर जो है ये फिर से हल किया गया था और अब लोग इसे विदेश भेजने वाले थे। लेकिन खुशी की बात यह है, अफसोस उन लोगों के लिए कि ऐसा नहीं हो पाए है, जाने से पहले, बाहर देश जाने से पहले यह कंटेनर जो है खोला गया है। 40 लोग खोल चुके थे और 40 में ये रोंट हाउट था एलखाल जो लोग एक्सपोर्ट करने वाले थे सुरीनाम देश से, तो ओपन बार मिनिस्ट्री से बातचीत करने के बाद ये सब कब्जे में लिया गया है। ये पता चला है ये ओनर नेमर जिसका ये कंटेनर्स था ये सबसे पहले जिम्मेवार है, तो ये एयरस्ट फरदाख्त है और खोजबीन जारी हो रहा है इसमें कौन से लोगों के हाथ है। लेकिन अब तक ये सोचा जा रहा है, लोग सोच रहे हैं कि हाफन के बहुत से लोग, दुबाने के लोग जो है इसमें इन लोगों के भी बहुत बड़ा हाथ है, और बहुत से लोग था हाफन पर जो नहीं चाहते थे कि ये खोजबीन हो, ये खोजबीन किया जाए। लोग ओपन बार मिनिस्ट्री को तार किए हैं और ओपन बार मिनिस्ट्री अब इस मामले में आगे खोजबीन कर रहा है। ये तमाम जो कंटेनर है सभी कब्जे में लिया गया है और ये खोजबीन जो है ये जारी है। ये आखिरी खबर आज 7 दिन में, आपको पता है लॉकडाउन वीकेंड है, इस वक्त हम लॉकडाउन में है कल शाम को 6 बजे से, और ये लॉकडाउन रहेगा सोमवार के सुबह 5 बजे तक। आप अच्छे तरह से ये लॉकडाउन वीकेंड बिताइए और मुझे आप इजाज़त दीजिए। शुक्रिया, नमस्कार और खुदा हाफिज़।